देखिए कहने और सुनने को कुछ बचा नहीं है। जो रात के हालात हमने देखे हैं उसमें कहने और सुनने को कुछ बचा नहीं है। सरकार तो सरासरी गुंडागर्दी पर थी, इनके मंत्री तो रेपिस्ट थे ही पदों पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन वाले भी गुंडागर्दी पर उतरे हैं। अरे ड्रिंक करके अब हमारी बहन बेटियों के रात के समय में जो अपना शांति प्रिय प्रदर्शन करे, क्या उनके बाल खींचोगे? क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने धरने पर जाकर के हम अपनी चैन की नींद सो सके? या फिर ये भी प्रशासन डिसाइड करेगा कि हमें गीले में सोना या सूखे में सोना? मतलब बड़े शर्म की बात है कि जो देश के लिए मेडल लेकर के आते हमारे खिलाड़ी, हमारी बहनें, आज उनको न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है, न्याय के लिए दिल्ली जंतर मंतर की सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। हम मोदी साहब के लिए बड़े शर्म की बात है। मोदी साहब का कहना चाहते हैं कहीं शर्म लिहाज हो तो डूब के मर जाना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि जो बेटियां देश के सम्मान के लिए मेडल लेकर के आती है आज उसी देश के अंदर हमारी बेटियों का सम्मान नहीं है। बेटियों का डंडा, बेटियों के साथ डंडा पुजारी की जा रही है न्याय के लिए। यदि कोई बेटी अपनी आवाज बुलंद कर रही तो उसको जेलों के अंदर डाला जाता है। लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची देश में। मैं कहती हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए या फिर वैसे ही तानाशाही फरमान जारी करके आप क्या साबित करना चाहते हो जनता को? देखिए ब्रजभूषण जी ये कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो आप ये बात है क्यों कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे तो उनको खिलाड़ियों का अपना धरना उठा लेना चाहिए? तो यदि आप में सच्चाई है तो आप मीडिया के सवालों से क्यों भाग रहे हैं? यदि आप में सच्चाई है तो आप अपनी सरकार को बोलो कि आपके खिलाफ FIR लॉन्च हो और निष्पक्ष जांच हो। वो बात की बात है कि आरोप तय होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम आपकी सरकार को इतना तो बोलो कि वो FIR लॉन्च करके निष्पक्ष जाँच करे। सारे जो कारनामे है सारे सामने निकल कर कहेंगे एक बार जांच की कमेटी तो बैठे, लेकिन कोई बैठने को तैयार नहीं है। सरकार इनकी, प्रशासन इनका, बलात्कार इनके, तो भाई हमने न्याय कड़े तो मिलेगा? हमने इस देश में इस सरकार का न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे बेटियों के हित में खड़े हैं, हमारे समर्थन में खड़े हैं। जी देखिए उसको तो हम बड़ी निंदनीय घटना है और बड़े बेशर्मी तरीके से हम उसको देखते हैं कि जो बेशर्मी रात के समय में बेटियों के साथ की गई। कोई गोला बारूद नहीं है या खिलाड़ियों के पास सिर्फ अपने न्याय के लिए अन्याय की गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उन्हें न्याय दे, जांच करे। आरोप तय होते हैं ना होते वो बात की बात है, लेकिन आप निष्पक्ष जांच कमेटी बिठाइए। और हमारे यदि आप यह चाहते हैं कि ये देश के लिए मेडल लेकर के आए हैं, देश का गौरव है, तो प्रधानमंत्री जी जांच कमेटी बिठा करके इन खिलाड़ियों के साथ न्याय जरूर कीजिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार बड़े बड़े नारे देती थी, हमें समझ में आ जाए कि आखिरकार हमने हमारी बेटी बचानी किस तरह है और पढ़ानी कैसे। हमारे हरियाणा के अंदर 206 स्कूल बेटियों के बंद कर दिए, तो बड़े शर्म की बात है बेटियों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सर आम इनके मंत्रियों द्वारा, इनके अध्यक्ष द्वारा बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री चुप है, तो इससे आगे कहने और सुनने को कुछ बचा नहीं है। बड़े शर्म की बात है। देखिए यदि देश के यही हालात रहे, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट जो बहनें हैं देश के लिए मेडल लेकर के आती है और उन्हीं बहनों की इज्जत पर हाथ डाला जाता है इनकी पार्टियों द्वारा, तो हम ऐसे देश के लिए मेडल नहीं लेकर के आना चाहते जिस देश में बेटियों का सम्मान नहीं है। बेटियां इस देश का गौरव है, बेटियां देश का सम्मान बढ़ाने की कोशिश कर रही, विश्व स्तर पर तिरंगा लहराने का हमारी बेटियां काम कर रही, लेकिन उसी तिरंगे का अपमान किया जा रहा, उसी बेटियों का अपमान इस भारत देश के अंदर किया जा रहा। हम तो यही आज है, यही कारण है कि लोग यह चाहते हैं कि बेटियां पैदा ना हो। यही आज एक कारण है कि बेटियां पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर बेटियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, बेटियों के बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं है। प्रशासन देख लो, सरकार देख लो, हर कोई जितने पदों पर बैठे हैं वही बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम करे, तो इससे इसके इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। जी 12 दिन बीत गए, एक मिनट, 12 दिन बीत गए, सरकार अभी भी खामोशी हो रही है। देखिए सरकार खामोश बैठेगी, क्यों देगी वो न्याय? क्योंकि रेपिस्ट जो है उनके पदाधिकारियों का जो नाम आया, इससे पहले हरियाणा के अंदर भी एक खेल मंत्री का नाम आया संदीप सिंह का, जूनियर कोच उनके ऊपर आरोप लगा रही, और अभी जंतर मंतर पर हमारी ये खिलाड़ी बहने, हमारी खिलाड़ी बहने आरोप लगा रही। एक बेटी के लिए ना सबसे बड़ी इज्जत होती है, इज्जत के अलावा बेटी के लिए कोई गौरव नहीं होता, और कोई ऐसी बेटी नहीं है कि वो सड़क पे आकर के झूठ बोलेगी और सरे हम अपनी इज्जत का बुद्धा मजाक करवाएगी। हम इन सरकारों को कहना चाहते हैं यदि आपके घर में कोई बहु बेटी है तो उसको रोड पे लेकर के आइए, ऐसी बयानबाजी उससे करवाइए, तब हम मानेंगे कि बेटियों की इज्जत होती है फिर चेहरा चमकारी है। आज दिल में दर्द है बेटियों को, क्योंकि बात हद से पार हुई है। भाई ये खिलाड़ी भाई है, ये नहीं चाहते थे हमारी बहनें कि हमारा भविष्य, हमारा करियर खराब हो। कहीं ना कहीं बात यही खत्म हो।
हमने एक कर दिया और हमारा समाज हमारा देहात हमारे माँ बाप हमारे साथ आता है, इस लड़ाई में एक कदम भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इसमें कहना है कि आप लोगों को फंडिंग की जा रही है, जानबूझ के यहाँ पे गैदरिंग की जा रही है, यहाँ पे ये आंदोलन किया जा रहा है। गैदरिंग किसकी की जा रही है? हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि किसकी गैदरिंग की जा रही है? ये उन्हीं के बच्चे हैं जो 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठ कर गए। हमें यह बताइए कि किसी मंत्री एमएलए सांसद का कोई ऐसा बेटा है जो कुश्ती के अंदर दंगल के अंदर मैदान में कुश्ती करता हो? हमें दीजिए हमें एक भी नाम किसी मंत्री एमएलए के बेटे का जो दंगल के अंदर कुश्ती करता हो। हमारे देश का गौरव यदि कोई बढ़ाता है, हमारे देश का कोई सम्मान करे तो हमारे किसान मजदूर के बेटा बेटी है सरकार इस बैम में ना रहे। 13 महीने बैठ करके हमारे किसान मजदूर इस बीजेपी सरकार से हाथ जोड़वा के माफी मंगवा के जब अपने घरों की तरफ लौटे थे तो अब की बार मुकाबला देश के पहलवानों के साथ है, ये ध्यान रखना चाहिए बीजेपी सरकार को। तो क्या बेटी होने के नाते आपको लगता है कि अब बेटियों के लिए भारत में जगह नहीं बची है? देखिए यदि यही हालात है देश की जो ये आज फिलहाल स्थिति चल रही है तो मुझे नहीं लगता इस देश में बेटियों का कोई सम्मान है, बेटियों के लिए कोई जगह है। बेटियों को सिर्फ लूटने और पिटने के लिए छोड़ दिया गया है सरकारों द्वारा। कोई हमारी खुद सरकार के अधिकारी बेटियों की इज्जत पर हाथ डाल रहे तो हम कहां सुरक्षा की मांग करें, किससे हम सुरक्षा की उम्मीद रखें? बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा से कई एंबेसडर भी है। देखिए नारा दिया बड़ी अच्छी बात है, हम भी मानते हैं बीजेपी ने नारा दिया, लेकिन हमारे समझ में ये बाद में आया कि आखिरकार हमने बेटियां बचानी किससे है। हमें पहले आगाह किया जा रहा था सरकार द्वारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज समझ में आया कि हमें बेटियां बचानी किससे है। और अब हमें समझ में आया है तो इसका स्टैंड भी हम खुल करके लेंगे। जब तक चैन की सांस नहीं बैठेंगे, जब तक वो गुंडे वो गद्दार वो रेपिस्ट सलाखों के पीछे नहीं होते। देखिए इनके लिए क्या बोलना, हमें किसी को पब्लिकली कोई फेस नहीं देना चाहते। जितने भी गुंडे बैठे हैं, जितने भी ये रेपिस्ट पदों पर बैठे हैं, जो भी हमारी बेटियों हमारी बहनों के बारे में तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हम उनको ये कहना चाह रहे हैं यदि आपके घर में बहन बैठी है तो उसको रोड पर लेकर के आइए, ऐसी बयानबाजी करवाइए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो यूपी से इतने समर्थन में नहीं आ रहे हैं आपके यहाँ, क्यों नहीं आ रहे? आप एक बार अपना कैमरा घुमा करके दिखाइए पंडाल में, बल्कि यूपी से तो हमारी 80 गाड़ियां भी रोक ली गई है सिंगू बॉर्डर पर। कितना पैसा, कौन देता पैसा? अरे ये पैसे बड़े भी बीजेपी बड़े, हम तो भाई गरीब किसान मजदूर है भाई। अगर पैसों से बुलाई गई भीड़ है ना तो डिटेन क्यों कर रहे हैं? पैसों से बुलाई गई भीड़, बिल्कुल 80-80 गाड़ियां बॉर्डरों पर रोकी जा रही हैं। अगर पैसों से बुलाई गई भीड़ है तो डिटेन करने की क्या जरूरत है? क्यों बार बार प्रशासन का सहारा ले रहे हैं? कहने में और सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पार्टी भी होने वाली है, बिरयानी की पार्टी भी यहाँ होने वाली है, ऐसे भी यहाँ पे चीज आने वाली है। देखिए सरकार है तरह तरह की बयानबाजी करेगी। इन्होंने किसान आंदोलन को भी पता नहीं क्या क्या नाम दिया था, कभी कांग्रेसियों का आंदोलन बताया था किसान आंदोलन को भी, कभी किसी का आंदोलन बताया था, अभी खालिस्तानी तक किसानों को बताया गया। जहाँ कहीं हम आंदोलन करते हैं ना अपने हित की मांग उठाते हैं, वहीं तरह तरह के नाम देते हैं, लेकिन जितना मर्जी नाम दो अब दो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमारी रगों में खून है सांस है, हम न्याय के लिए लड़ेंगे और जीते भी गए। देखिए ब्रिजभूषण जी जो ये बयानबाजी कर रहे तो फिर वो मीडिया के सवाल से क्यों बचकर भाग रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं ब्रिजभूषण जी यदि सच है, यदि उनमें ईमानदारी है, वो एक सच्चे नेक दिल इंसान है तो अपनी सरकार से बोलो ना कि भाई खिलाड़ियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इनकी FIR लॉन्च करो। बल्कि उनको तो फायदा है यदि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उनको उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि खिलाड़ी झूठे साबित होंगे ना, कानूनी रूप से कार्रवाई होगी और वो सच्चे हैं तो हमारे खिलाड़ी झूठे होंगे। आप जाँच करवाइए, आप रिपोर्ट दर्ज करवाइए और फिर देखते हैं कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। बबीता फोगाट के लिए क्या कहोगे? बबीता फोगाट के लिए मैं शामिल होऊंगा, जहां पर भी मुझे पुलिस बुलाएगी मैं वहीं पर आऊंगा। कहाँ बुलाएगी पुलिस? अभी तो देश का प्रधानमंत्री जो हमारे खिलाड़ियों के मेडल को चूम करके गले में डालता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप है तो प्रशासन कहाँ से बोलेगा? प्रशासन सरकार के दबाव में, आज सरकार इनकी प्रशासन इनका बलात्कारी, इनके पदों पर मंत्री बैठे वो इनके हित में बयानबाजी करे। आज हमारे साथ कोई नहीं, हमारे साथ है हमारे माँ बाप है, हमारा समाज खड़ा है, हमारे तमाम किसान संगठन हमारे साथ है, सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे साथ नहीं है जी। बबीता फोगाट के लिए क्या?